हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज जो हम देखेंगे साइंस वन का जो पेपर गेस पेपर टू है, एक पेपर अपलोड हो गया है। अगर जिसने नहीं देखा है तो मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके क्लिक करके भी वो पेपर देख सकते हो। ये पेपर टू है हमारा, इसमें कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन है। ऐसे पांच जो गेस पेपर मैं यहाँ पर आपके लिए अपलोड करूंगा, उतने पेपर आपको सॉल्व करना कंपलसरी है अगर आपको एक अच्छे मार्क्स साइंस वन में अगर आपको लेना है, राइट। चलिए तो देखते हैं हमारा ये पेपर टू है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए हिदायत दी जाएंगी आपको पेपर से पहले, वो हिदायत को आपको गौर से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक, क्वेश्चन नंबर वन, दिए हुए मुतबादिल में सही मुतबादिल मुंतखब करके या चुनकर लिखिए। सिर्फ ऑप्शन और ऑप्शन का नंबर लिखना है आपको, पूरा क्वेश्चन उतारते नहीं बैठना है कोई पेपर में, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्या करना है आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर और ऑप्शन लिखना है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो। जैसे जेल का कौन सा अमल असरअंदाज होगा ताकि पीतल के बर्तनों पर जमने वाली सब्जी माइल तय से होने वाला ताकुल जो है रोका जा सके। तो देखिए कई उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ जो है मेटल को हम बचा सकते हैं जंग लगने से, ताकुल रखने से, तो उसके लिए कुछ तरीके है, वो तरीके में से कौन सा तरीके यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ये क्वेश्चन का मतलब है। तो उसमें मलम्माकारी है, जस्तकारी है, तो पीतल को अगर सब्जी माइल तय से बचाना है तो हमको क्लई करना पड़ेगा, उसके क्लई करना, ये भी एक प्रिवेंशन है। नेक्स्ट, नमाती घी में कार्बन कार्बन डैश बंदिश होती है, तो यहां पर अकेली बंदिश होगी, सिंगल बॉन्ड होता है नबाती घी में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक तालिबे इल्म ने खिड़की के सलाखों की निहायत अक्स स्क्रीन पर ली, लेकिन मौलिम ने उसे खिड़की की बजाय काफी दूरी पर वाके एक दरख्त के अक्स लेने को कहा, तो साफ अक्स लेने के लिए अच्छे को स्क्रीन से करीब लाना पड़ेगा। भर के मुख्तलिफ मुकामात से मखसूस लहरों के जरिए रब्ता कायम करना, जैसे मैं अभी आपसे रब्ता कायम कर रहा हूँ, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वीडियो कॉल करते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, ठीक है, आप नेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं, मेरे ब्लॉग से डाउनलोड करते हैं, मेरा यूट्यूब देखते हो, तो ये जो रबते हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, ये नशरियाती मसनवी सैयारा, ये जो सिग्नल भेज रहा है हमको लहरों के जरिए, तो हमारा ऑप्शन है नशरियाती मसनवी सैयारा। चलिए, वाजे बिनाई का कम से कम फासला डैश होता है, ठीक है, इसके लिए वजुहत भी आती है कि वाजे बिनाई का कम से कम, अगर कोई चीज हम आंखों से 25 सम के फासले पर रखे तो क्लियरली नजर नहीं आती, ऐसा एक वजुहत भी आती है। तो यहां पर हमारा जवाब होगा 25 सम, 25 सम अगर आंखों से दूर है तो ही वो शय साफ नजर आएगी, तो ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ये पांच क्वेश्चन है, पांच ऑप्शन आपने लिखा सही करेक्ट, आपको 5 मार्क्स होने। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, पहला सवाल देखिए, शक्लों में दिखाए गए कानून को बयान कीजिए। कौन सा हाथ है, अपना हाथ लगाकर देखिए कौन सा हाथ, दाहिने हाथ का कानून, तो राइट हैंड है ना, राइट हैंड रूल, तो यहां पर लिखेंगे हम दाहिने हाथ का कानून। अब इस कानून को बयान कीजिए, तो कानून देखिए जैसे आप इसको याद करने का तरीका कि आप ऐसा पकड़ के उंगली ये दरमियानी उंगली, ये भी पहली उंगली, ये अंगूठा, इसको आप अपने इसमें अगर याद नहीं आ रहा आयन वक्त पर आपको, तो आप लिख सकते हो कैसे, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली और दरमियानी उंगली इस तरफ फैलाए कि ये दोनों एक तो वो एक दो तीनों एक दूसरे पर उमूद हो, बस इतना याद रखना है आपको, 1 2 3 तीनों एक दूसरे पर उमूद हो। ऐसी हालत में जो अंगूठा है ना, ये मौसिल के बर्क की बरकी बहाव की सिमत, यानी ये क्या बताता है, ये बरकी बहाव की सिमत तो बताता है अंगूठा, और जो पहली उंगली है वो मकनातीसी मैदान को जाहिर करती है, और दरमियानी उंगली बरकी अमाला को जाहिर करती है, बरकी अमाला को जाहिर करती है, ये आपको यहाँ पर इस तरह पूरा बयान। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 एंड सल्फर 16, ये कुछ अनासिर दी गए हैं। बोला था इनमें से सबसे ज्यादा धाती खास रखने वाला आंसर कौन सा है, तो स्टूडेंट यहां पर आपको समझना चाहिए कि ये जो है ना, आप देखेंगे तो ये ग्रुप नहीं, ये दौर 3 के तीसरे दौर के अनासिर रही है,
और तीसरे दौर में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सोडियम मिलेगा, उसके बाद आपको मैग्नीशियम मिलेगा, इस तरह ये सिलिकॉन मिलेगा, उसके बाद फिर सल्फर मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स है। और आपको पता है दौर में जब बाएं से दाएं जाते हो, उल्टे तरफ से आप सीधी तरफ जाओगे दौर में, तो मेटालिक कैरेक्टर धातु खसूसियात कम होती जाती है, धातु खसूसियात कम होती है। यानी जो बाएं तरफ है, जो उल्टी तरफ है जो अंसुर, उसकी धातु खसूसियात ज्यादा रहेगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो अगर आप दौर में देखोगे तीसरे दौर में, तो सबसे पहले सोडियम है, तो सबसे ज्यादा धातु खसूसियात सोडियम की रहेंगी, उसके बाद मैग्नीशियम की, सिलिकॉन की और फिर सल्फर की, इस तरह यहां पर एल्युमिनियम वगैरह जो भी है वो रहेगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहला बाएं तरफ कौन सा आता है, तो सोडियम आता है। तो हमारा आंसर रहेगा सोडियम सबसे ज्यादा धातु खसूसियात रखने वाला अंसुर है। एक लाइन में एक मार्क्स के लिए आपको आंसर। जेल के कीमियाई तामूल में तय कीजिए कि होने वाले कीमियाई तामूल अमल तकसीद है या अमल तैविंग, यानी कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन। अब देखिए दो फेरस और सल्फर दोनों मिल रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, दैट मीन्स अमल तकसीद। तो ये हमारा आंसर हो गया आय तामूल अमल तकसीद है। अब देखिए जोड़ी मुकम्मल कीजिए, सुर्ख रंग की तूले मौज। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का, तो उसमें मैंने बताया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आप आई के बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था सुर्ख रंग का जो तूले मौज होता है वो 600 नैनोमीटर होता है। तो आपकी जोड़ी यहां मुकम्मल हो गई, एक मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमको पहली जोड़ी को देखकर कोरिलेशन है, सेकंड जो जोड़ी है उसको मुकम्मल करना है, ठीक है। अल्केन, तो कार्बन कार्बन डबल बंड, दोहरी बंदिश, तो अल्काइन क्या है, अल्केन, अगर अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्काइन जो होगा वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट मींस तहरी बंदिश। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का बी मुकम्मल हो गया। पांच क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स यहां पर करेक्ट अगर आप आंसर लिखते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये 10 मार्क्स हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं जिसमें आपको साइंसी वजूहत बयान करना है। कोई दो चार मार्क्स के लिए आपको यहां पर तीन दिए जाएंगे, दो आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। पहला, सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने रिफ्लेक्शन का वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो आप क्लिक कीजिए वहां पर, उसको देखिए, ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देखिए, तो आपको ये उफक के जो सवाल के जवाब है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए सूरज क्या होता है, उफक से नीचे जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। ये होता क्यों है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे गर्द गुबार ऊपर जो फिजाई तय है, फिजाई तय से जो सूरज की रोशनी जो वो इनराफ होता है, इनराफ होने के बाद बहुत इनराफ होने के बाद फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये सब डिटेल जो है मैंने वहां पर बताया वीडियो में, आप वहां पर देख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम, सूरज उफक से थोड़ा नीचे होता है तब उसकी शुआओं कुर्रे हवा में इनराफ होता है। कुर्रे हवा मतलब मुख्तलिफ गैसे है जो जमीन के अतराफ, उसका इनराफ होता है, उनमें रोशनी की शुआएं खमीदा होकर हम तक पहुंचती है, बार बार ऐसा पहुंचती है रिफ्लेक्शन होके। इसलिए हमें सूरज उफक में नमूदार होने से कबल ही दिखाई देता है। इस तरह गुरुब आफ्ताब के वक्त भी सूरज हमें उफक से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई रहता है। आपके पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट, के शुआ का कुर्रे हवा में इनराफ होता है, इतना याद कर लीजिए आप। फिर रोशनी की शुआ हम तक खमीदा हम तक पहुंचती है, खमीदा होकर हम तक पहुंचती है ना। ये दो पॉइंट अगर आपने लिख लिए तो बाकी आप अपने जुमलों में भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स आना कंपलसरी। तो दो मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है। पॉइंट्स याद कीजिए, याद करने का मेथड, एलोमिना की बरकी पाचिद्दी के दौरान मुजबिरा को बार बार तब्दील करना पड़ता है, यानी बार बार वो जो उसको क्यों चेंज करना पड़ता है, तो उसका रीजन है हमारे पास एलोमिना की बरकी पाचिद्दी में ग्रेफाइट की सलाखों का एक सेट पिघले हुए मजबूत बरकीरा, दैट मींस एनोड का काम करता है, क्या मजबूत बरकीरा। तो हमको यहां पर क्या बोला है, इन पर मजबीरे को, मजबीरा है ना, और मनफीरा अलग होता है, मजबूत बरकीरा मजबीरा होता है, मनफी बरकीरा मनफीरा होता है। तो अभी यहां पर उसने मजबीरा बोला है, तो हम मजबूत बरकीरा यानी एनोड लेंगे। मजबूत बरकीरा जब ऑक्सीजन आजाद होती है ना एल्यूमिना की, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे ना एल्यूमिना, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक गैस आजाद होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस आजाद होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन मुजबिरा के कार्बन से अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, क्योंकि ग्रेफाइट की रहती है ना,
एनोड जो रमसबिरा रहता है ग्रेफाइट का रहता है, ग्रेफाइट यानी ये कार्बन का एक बहरूप है, तो जब ऑक्सीजन गैस अमल में निकलती है बाहर तो वो ग्रेफाइट पे जाती है, वो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, इसलिए इसको वक्तन फौतन बदलने की जरूरत होती है क्योंकि इसके दौरान इसकी तकसीद होती है, अगर नहीं बदलेंगे तो वो क्या होता वहां पर अमल तकसीद होते जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है बार बार। सिंपल पॉइंट है आपके पास के मजबरे पर आजाद होने वाली ऑक्सीजन मजबरे के कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये पॉइंट हो गया आपका, और इसकी अमल तकसीद होती है, दूसरा पॉइंट हो गया, इसलिए इसको बार बार बदलना जरूरी है, दो पॉइंट आप याद रखिए। तो थर्ड क्वेश्चन, हरारत पैदा करने वाले बर्की आलात जैसे इस्त्री, बर्की हीटर, बॉयलर, टोस्टर वगैरह में खालिद धात के बजाय मखलूत धात जैसे निक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो ये आंसर आपको एक और साइंसी वजह में काम आएगा, बल्ब में टिंगस्टन या निक्रोम का वायर तार इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर अगर ये सवाल भी आता है तो आपको ये आंसर काम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में बर्की बल्ब में निक्रोम या टंगस्टन का तार इस्तेमाल किया जाता है, मखलूत धात का तार इस्तेमाल किया जाता है, या बर्की हीटर, टोस्टर, बॉयलर, जितने भी जो हरारती असर पर चलने वाले जो ये आलात है इसमें ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछना चाहता है। देखिए ये जो आलात है ना ये बर्की रॉ के हरारती असर पर चलते हैं, राइट, अब हरारती असर पर चलते हैं काम कर, जिससे मौसिल की मजामत ज्यादा हो, जिस मौसिल की मजामत ज्यादा होगी, मजामत क्या करता है, जो बर्की रॉ आ रही है उसको रोकने का काम करता है, ज्यादा बर्की रॉ आएंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो, तो ये मजामत, ज्यादा मजामत लेंगे तो उतना बर्की रॉ की जो है वो रुकावट होगी, ऐसे मौसिल इस्तेमाल करते हैं जिसकी मजामत सबसे ज्यादा हो, निक्रोम धात की मजामत ज्यादा है इसलिए खालिद धात की बजाय मखलूत धात का इस्तेमाल किया जाता है, दो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग, अब यहां पर सवाल नंबर 2 में आपको कोई 3 सवाल हल करना है, खिलाई मुहिम किसे कहते हैं, मिशन, स्पेस मिशन, इसकी जरूरत और इसकी हमको एडवांटेज यानी फायदे लिखना है, अफादियत बयान कीजिए। तो ये कुछ लिखने वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो मुहिम किसे कहते हैं, जैसे कोई मस्नूई सैयारे को अगर हम खिला में दागा जाता है, हमारे खिला में जो है जमीन के अतराफ घूम रहे हैं, ये मुहिम हो गई, स्पेस में घूम रहे हैं ना, तो ये स्पेस मिशन हो गया, तो ये मुहिम है। और बहुत सारे जो है वो तारों के निजाम शमशी में जो उनका मुशाहिदा करने के लिए उनके करीब भेजा जाता है, तो ये जो जितना बताया मैंने इसको बोलते हैं स्पेस मिशन यानी खिलाई मुहिम। तो उसको लिखेंगे हम, हजारों मस्नवी सैयारे खिला में दागे गए जो जमीन के अतराफ मखसूस मदारों में गर्दिश कर रहे हैं, इसके अलावा निजाम शमशी में मौजूद मुख्तलिफ अजसाम के करीब से मुताला करने के लिए मखसूस आलात, कुछ मखसूस आलात होते हैं जो निजाम शमसी के उन अजसाम जैसे जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, और निजाम शमसी में जितने चांद हो गया है ना, सूरज हो गया, ये ऐसे जो है उन तक वो आलात को पहुंचाया जाता है ताकि उनका जो हम क्या कर सकते, मुताला कर सके, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सके, ये कहलाता है मुहिम, और इसे कहते हैं हम खिलाई मुहिम। लिख लिए, अब इसके फायदे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फायदे, अफादियत यानी फायदे। खिलाई मुहिम के जरिए रवाना किए गए मस्तूमी सैयारों की वजह से दुनिया एक आलमी गांव यानी ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं तब्दील हो गई है, जाहिर सी बात है, अभी मैं आपसे जो मुखातिब हूँ, वीडियो आपको दे रहा हूं, ये ग्लोबल विलेज की वजह से ही है, मैं इसको अपलोड करूंगा तो नेट की वजह से अपलोड करूंगा, राइट। हम पलक झपकते दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाले अफराद से रابطہ कायम कर सकते हैं, अगर आप, अगर कोई आप लंदन में है, कोई अमेरिका में है आपका रिश्तेदार, तो आप वहां फोन करके फौरन उससे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, घर बैठे मुख्तलिफ मौजूदात पर मालूमात हासिल की जा सकती है, गूगल में आप टाइप करेंगे रिजवान सर पेपर तो आपको पेपर मिल जाएंगे, ये जो है ना ये सब आपको घर बैठे तमाम मालूमात हासिल हो रही है, ये उसके फायदे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने तौर से जितने फायदे हो सकते हैं इंटरनेट के, इसके जो स्पेस में जो हम आलात भेजते हैं स्पेस में, सैटेलाइट जो मस्नूई सैयारे जो भेज रहे हैं, उसकी क्या, क्यों भेजा जा रहा है, उसकी फायदे क्या है, वो हमको यहाँ पर लिखना है। दूसरा, जब फौजी दस्ता जो है उस पर अमल करता है, अब जो जितने सैयारे हैं, देखिए मौसम की जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप उसमें लिख सकते हो, तो ये फायदे हो गए हमारे, किसके,
सवाल नंबर दो का एक क्वेश्चन था, इसकी अफादियत वाजे का मुशाहदा करके जेल के जवाब लिखिए। ये पीरियोडिक टेबल है जौहरी जदवल, उसमें देखिए ए और बी दो निशानात बने हुए हैं और उसके मुताबिक यहाँ सवाल किया है कि ए के जरिए दिखाए हुए ब्लॉक को पहचानिए और उस ग्रुप के किसी अंसुर का इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। ब्लॉक को पहचानना है, ये जितना ब्लॉक है पूरा जो ब्लैक में दिया हुआ ना ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के कोई भी पूरे ब्लॉक से हमको वहां पर क्या करना है, एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। पूरे ब्लॉक से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ए जो है ना ये ब्लॉक है एस ब्लॉक, आपको पता है चार ब्लॉक हमारे पास मिलेंगे, एस पी डी ब्लॉक है ना, और एच ब्लॉक पी ब्लॉक की आपने पढ़ा होगा उसमें, ठीक है। तो ए के जरिए दिखाए हुए ब्लॉक को पहचानिए, तो हम इसका जवाब लिखेंगे चौकोन ए में दिखाया गया ब्लॉक एस ब्लॉक है, वो ब्लॉक पूरा जो है एस ब्लॉक है जो ब्लैक में दिया है हमको, ब्लैक में, राइट। अब किसके ब्लॉक के किसी एक अंसुर की हमको यहां पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उसके ग्रुप का, वो ग्रुप नहीं है ब्लॉक के, उस ग्रुप ब्लॉक के किसी एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए, वो ब्लॉक कर लेना आप उसको, ठीक है। तो उस ब्लॉक में जो अंसुर मिलेगा हमको वो सोडियम भी मिलेगा और पोटेशियम भी मिलेगा, तो मैं सोडियम का लिख रहा हूं, एक आप याद लग दीजिए। आप याद कैसे करोगे, ये ब्लॉक में कौन कौन से अंसुर है, फर्ज कीजिए पहला दौर है आपका, देखिए इसमें जो अंसुर है वो कौन कौन से है उसको याद करने का, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर नीचे लिथियम आएगा, फिर एन ए आएगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, यानी पहले इस यहां पर आएगा हाइड्रोजन, उसके नीचे आएगा लिथियम, फिर सोडियम पोटेशियम, ऐसे मैंने कैसे कैसे याद करोगे आप लोग इसको, हेलीना की रब से फरियाद, आप पीरियडिक टेबल सामने रखिए और उसको याद कीजिए बाद में, तो ये ऐसे याद कर सकते, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो हमारे पास जो उस ब्लॉक में है सोडियम भी रहेगा, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन तश्कील होंगे 2 8 1, ये आपके जवाब आंसर का सवाल का पूरा जवाब हो चुका है, राइट। सेकंड पे जाएंगे, उर्फ बी के जरिए दिखाए गए ग्रुप डी ब्लॉक में है, ये जो है ना ये जो है ये डी ब्लॉक है पूरा, ठीक है, जो दरमियानी है डी ब्लॉक है, ये अंसुर चौथे दौर में, उसने क्या किया था, सवाल क्या पूछा था, बी के जरिए दिखाए गए ब्लॉक का नाम लिखिए, तो डी ब्लॉक है जो दरमियान में है, ये अंसुर चौथा दौर है। अब यहां से आप गिनेंगे तो आड़ी लाइन जो होती है वो दौर होती है, ये पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, ये चौथा दौर है, ये आड़ी लाइन जो है ना, ये आड़े जो है ना दौर है, इसको दौर कहते हैं, तो ये चौथा दौर है। तो दो जवाब हमने आसानी से लिख लिए, एक जवाब का एक मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ये सवाल हल करने वाला है, महिंद्रा और विराट एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर है, ठीक है, इनकी कमियतें बिल तरतीब 75 kg और 80 kg है, इनके दरमियान कितनी सकली कुव्वत होगी, और जी दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सकली असरा 6.67 × 10⁻¹¹। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास दिया है आर 1 मीटर, इसको आप डी भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में आर है, फॉर्मूले में डी भी रहता है आर भी रहता है, आर जो डिस्टेंस होता है और डी भी डिस्टेंस होता है, निष्कूत्र है ना, इसीलिए उसको आर भी लिया जाता है और डी भी लिया जाता है, तो आप उसको आर फर्ज कर लिए जो डिस्टेंस है हमारे पास। एम वन पहले आदमी या पहले शख्स का मास यानी कमियत 75 kg, दूसरा जो शख्स है विराट उसकी कमियत 80 kg, ये दो चीज दी गई हमको M1 M2, इतनी समझ में आए। अब क्या करना है, हमको फार्मूला लिखना है न्यूटन के कानून मुताबिक, ये जो जी की कीमत दी गई है उसको लिख लिया मैंने, अब फार्मूला लिखेंगे न्यूटन के कानून के मुताबिक, कौन सा फार्मूला, F = gm1m2/r² सकली कुव्वत का ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या है उसको डाक रख दीजिए, हमको कुव्वत मालूम करना है, सकली कुव्वत यानी एफ मालूम करना है, तो आप एफ को ऐसे रखिए, जी की जगह रखेंगे 6.67 × 10⁻¹¹ × 75 × 8/1² 1 मीटर के फासले पर वो लोग है, ठीक है। अब एक का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, तो आप क्या कीजिए, अब यहां पर ऊपर से आशारी हटा दीजिए, जो 6.67 है उसके पास से आशारी हटा दीजिए, नीचे 2 जीरो लगा दिए, आशारिया के बाद 2 अदद थे इसलिए मैंने नीचे 2 जीरो लगाया, वो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए वो एक ही ऑलरेडी है, तो आशारिया हटाया मैंने ऊपर से और नीचे 2 जीरो लगाया, आशारिया के बाद 2 अदद थे इसलिए 2 जीरो नीचे लगाया। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको
10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, इसको काटते मत बैठना, वापस से वही आ जाएगा, इसको जो ना पावर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह देखो पावर में कन्वर्ट, 6 6 7 × 10⁻¹ जैसा था, और 6000 को जो मैंने 75-80 को हमने जरब किया था वो 6000 आया था, और वो 6000 को 10 की पावर में अगर कन्वर्ट करेंगे आप तो 10 की कुवत 3 होगी। ये कुवत है बच्चों, ये 103 नहीं है, इसको समझ लीजिए, ये कुवत 3 है, 10⁻¹⁰ है ये, 6 × 10⁻³, यानी कुवत है ये। हाँ, ये 3 बार बार बोल रहा हूं, ये 103 नहीं है, ये कुवत है, कुवत 3 पावर है। तो मैंने उसको बदल दिया, 3 जीरो थे तो 6 जरब करके 10 की कुवत 3 लिख दिया, ठीक है। अब कुवतों का अमल आपने 7वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा कि जब असास एक जैसा होता है तो कुवतों की जमा होती है, तो हम 11 और 3 जो कुवत है ना उसकी जमा करेंगे, तो जमा नफी नफी होता है, तो 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, तो हमारे पास मिलेगा 6 6 7 × 10⁻¹⁰। ये वापस वही स्टेप आ गई, क्योंकि यहां पर देखिए 10 की कुवत 2 लिखा था मैंने, इसको आप ऐसी रहे, इसको 100 कर दिया मैंने, बाद में देखेंगे हम उसको। तो मैं वो कुवत के ऊपर देखिए वहां पर क्या कर रहा हूं, 8, ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास, इसको मत दिखना आप, इसको कट कर दीजिए आप, ये दो स्टेप की कोई जरूरत नहीं हमको। तो अब क्या किया मैंने, 6 को 667 से जरब किया ऊपर इसको, तो आप देखेंगे 4002 आ गया, और 10 की कुवत 3 और ये 10 की कुवत 11 थी, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -8, 11 बड़ा था इसलिए -8। ये 2 स्टेप आप कट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, बार बार वो टाइप हो गया है, ठीक है। अब ये सवाल में ना जितना मुख्तसर हो सकता उतना मुख्तसर कीजिए, अब ये मुख्तसर नहीं है, इसको मुख्तसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नीचे 20 है ना, ये 20 हटाइए और ऊपर 2 के बाद आचार्य लगाइए। देखिए मैंने इधर 2 के बाद आचार्य लगाया, क्योंकि नीचे 20 थे उसको हटा दिया, जब ऊपर से आचार्य हटाया तो नीचे 0 लगाया था, नीचे से 0 लगाया तो ऊपर आचार्य हटा दिया, तो ये हो गया। अब ये और मुख्तसर ना होगा, और मुख्तसर होगा क्योंकि ये 40 है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 की कुवत 1। 40 को हम कैसे लिखते, ये जो 40 है ना, 40 आचार्य, तो इस 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 की कुवत 1, और वो कुवत 1 जो होगी वो नफी 8 में से जब 1 निकलेगा तो वो 7 बचेगा, तो आचार्य इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.002, यानी आप 10 की कुवत नफी 8 में से 1 कुवत कम कर दीजिए और आचार्य को इधर घुमा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हल करने का इसका तरीका है, मेथड है, जितना मुख्तसर हो सकता मुख्तसर करेंगे, आप इसको मुख्तसर मत कीजिए क्योंकि आप यहां पर 10 की कुवत नहीं मिलेगी तुमको यहां पर, ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये आखिरी हमारा जवाब हो गया, तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका जवाब ला सकते हैं, मुख्तसर जवाब लाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल देखेंगे हम लोग, शक्ल का मुशाहिदा करके जवाब लिखिए। अब आपको पता ये कौन सी शक्ल है, होप का आला है ना, इस आले का नाम लिखिए, पहला सवाल है होप का आला, हो गया आपके सवाल का जवाब, एक आधा मार्क्स मिल गया आपको। निचले और ऊपरे, ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचले थर्मामीटर का दर्जा रथ लिखिए। अब ऊपर एक थर्मामीटर है तो आपको ये शक्ल याद आना चाहिए कि ऊपर का दर्जा रथ कितना होता है, नीचे का कितना है, तो ऊपर का 0 होता है, नीचे का 4 पे रहता है, अटका रहता है, खिलाफ मामूल रवैया पानी का। तो ऊपर के थर्मामीटर में जो है निचले थर्मामीटर का दर्जा रथ 4 डिग्री सेल्सियस और ऊपर के दर्जा थर्मामीटर का दर्जा रथ जो रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि जब ये जो प्याला नुमा और स्थवाला बर्तन है ना, इसमें जो अमल होता है, अगर आपने हीट के वीडियो नहीं देखे है तो आप ऊपर क्लिक करके हीट के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये दर्जा रथ आप, दोनों दर्जा रथ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, उसने कहा था स्थवरानुमा बर्तन और पैरानुमा बर्तन का इस्तेमाल लिखिए, तो क्या इस्तेमाल है, खड़े स्थवरानुमा बर्तन को पानी से भरते हैं और प्याला नुमा बर्तन को इंजमादी आमेजा, नमक और बर्फ का आमेजा, वहां पर इंजमादी आमेजा भरा जाता है, बस ये 2 इस्तेमाल इसके, इसमें आपको इतना लिखना है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2 का 5, 5वां सवाल है, 5 दिए रहेंगे आपको, उसमें से 3 करना है। किसी अंशुल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, अब उस दर्ज जेल सवाल के जवाब लिखिए। अब देखिए पहला सवाल स्टूडेंट, इस अंशुल का जौहरी अदद क्या है, इस अंशुल का जौहरी अदद क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है 8 और 2 10 और 2 12, इस अंशुल का जौहरी अदद 12 है,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में जोहरों की तादाद को लिखा जाता है। मदारों में जोहरों की तादाद है ना, पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, सबकी जमा कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जोहरों की तादाद, वो जो पूरी टोटल कर देंगे आप एक जोहर में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद, सॉरी इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है उसको अगर आप जमा कर देते हो तो वो जोहरी अदद बन जाता है, तो वो जोहरी अदद है। इस अंसुर की गिरफ्त क्या है? इस अंसुर की गिरफ्त 2 है, ठीक है, ये आपको पता है, गिरफ्त आपको मालूम है आसानी से। इस अंसुर का ग्रुप क्या है? ठीक है, याद रखिए इसको। तो आंसर हो गया हमारा, तो ये जो है पूरे इस सवाल के जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है, जदोल मुकम्मल कीजिए। अब जदोल यहां पर दी गई है और ये जदोल कार्बनी मरकबात की जदोल है, उसमें देखिए नंबर 1 पे दिया है इथिलीन और उसका साक्षी जापता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका आयोपिक नेम क्या आएगा? तो इसका आयोपिक नेम आएगा स्टूडेंट इथीन, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद ये एक बॉक्स भरे आपने, हाफ मार्क्स, एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इथायोनिक एसिड जो है ना, ये एसिटिक एसिड का आयोपिक नेम है, याद रखिए। और ये साक्षी जापता, ये भी एसिटिक एसिड का ही साक्षी जापता है, तो हम यहां पर क्या भरेंगे फिर, नाम क्या रहेगा उसका? एसिटिक एसिड, तो आपको यहां पर एक मास मिलेगा। उसके बाद लिखा है मिथिल अल्कोहल का साक्षी जाप्ता लिखना है और उसका आयोपिक नेम है मिथेनॉल। तो ऑल आया ना, तो OH लगाना जरूरी है आपको, मिथेनॉल है ना अल्कोहलिक ग्रुप, तो OH, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे CH3OH। तो ये कंप्लीट करेंगे टेबल तो आपको 3 मार्क्स यहां पर कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जोया 10वीं जमात की तालबा है और ऐनक इस्तेमाल करती है, उस ऐनक यानी जो चश्मा लगाती है उसमें लगे हुए अच्छे की ताकत 0.5D है, ये प्लस में है। इस मालूमात की बिना पर जेल के सवालात के जवाब दीजिए। अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर क्या समझा, वैसे सवाल है यहां पर, इस ऐनक का इस्तेमाल किए गए अच्छे की किस्म बताइए, यानी वो जो चश्मा लगा रही है वो कौन से अच्छे का है। तो चलिए पहले सवाल का जवाब लिखते हैं, उसके ऐनक में इस्तेमाल किए गए अच्छे का किस्म बताइए। अब देखिए ये प्लस पावर जो है प्लस में है, तो यहां पर महत्तम अच्छा इस्तेमाल होगा, कौन सा अच्छा इस्तेमाल होगा? महत्तम। तो हम लिखेंगे इसके ऐनक में इस्तेमाल किए गए अच्छा महत्तम है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी आंख में कौन सा नुक्स है? अब देखिए ये जो है ये नुक्स कौन सा है, जब महत्तम अच्छा इस्तेमाल करते हैं मतलब यहां पर बैत नजरी। सेकंड, इस ऐनक के अच्छे का तूले मास का मालूम कीजिए, ठीक है। अभी ये कितने मार्क्स का सवाल है? 2 मार्क्स का सवाल है। एक ए लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स, बी लिखेंगे हाफ मार्क्स और ये मालूम करेंगे तो 1 मार्क्स। तो इसको मालूम कैसे करते हैं? तो जो जाप्ता है वो है पावर, यानी PD जो है ना पावर, चश्मे की जो पावर है अच्छे की, 1/F, और F जो है उसको बोलते हैं तूले मास का, और F हमको मालूम करना है, पावर हमारे पास दी गई है 0.5, तो उसकी जगह लिखेंगे हम 0.5 = 1/F। अब F मालूम करना है तो F को उधर ले जाइए, 0.5 को नीचे लेकर आ जाइए, तो इस तरह F = 1/0.5। अब नीचे से आशारी हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे तो आपको मिलेगा F = 5/10/5, मतलब 10/5, 5 × 10, तो आपके पास फोकल लेंथ आएगा 2 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये इतना अगर आप सवाल का जवाब लिखते हो तो आपका 3 मार्क्स पूरा मिलेगा, सॉरी एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स पूरा मिलेगा आपको यहां पर, 2 मार्क्स का नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4, चौथा सवाल, सवाल नंबर 3 का चौथा सवाल, बताइए शक्लों में कौन सा कानून दिखाया गया है और तीनों कवानीन को बिलतरतीब बयान कीजिए। आप सबको पता है ये कौन सा कानून है, ठीक है, कौन सा है? केपलर का कानून। तो इसका पहला कानून क्या है कि सैयारे का मदार जो है वो बैजवी है, दिख रहा है ना, मदार जिसके ऊपर सैयारे घूमते हैं, गर्दिश करते हैं, सैयारे का मदार बैजवी होता है और सूरज उस मदार का नुक्ताए मास्का है या मास्के पर होता है, ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, नुक्ताए मास्का लिखे तो बेस्ट है ना, या मास्के पर होता है यानी वो नुक्ताए मास्का है और उसके अतराफ ही सब जो है वो घूम रहे हैं जितने भी सैयारे हैं। ये पहले सवाल, पहला कानून हो गया केपलर का पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो ब्लू कलर में जो रकबे दिख रहे हैं, हर सैयारा
मुकर्रा वक्त में मुकर्रा फासला तय करता है और रकबा तय करता है। ठीक है, तो सैयारा और सूरज को जोड़ने वाला सीधा खत मसावी, वो जो दिख रहा ना एस बी एस ए एस सी एस डी एस ई एस एफ, ये खत मुस्तकीम है या उसको हम मसावी खत भी बोल सकते हैं। मसावी मुद्दत में मसावी रकबा घेरता है या मसावी फासला या मसावी रकबा फासला तय करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा कानून हो गया। तीसरा कानून है हमारे पास, सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारे के गर्दिश का मुरब्बा उस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि टी जो है वो गर्दिश करने का वक्त है उसका, और आर जो है वो फासला है, तो टी स्क्वायर वैरीज आर क्यूब, मतलब द वक्त का मुरब्बा बराबर रास तनासुब में है, वो जो निशान है वैरीज का वो रास तनासुब में है आर क्यूब मतलब फासले से। ठीक है, फासले के मकब से, ये याद रखना। तो उसको अगर हम वैरीज की कीमत को निशाने को हटाएंगे तो वहां पर इक्वल टू लगेगा और के लगेगा जो मुस्तकिल होता है, तो टी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आर क्यूब बराबर के, और वो मुस्तकिल है। ठीक है, यानी ये मुस्तकिल है, इतना याद रखेंगे। तीन कानून लिखेंगे आप तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कानून, और ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट के कानून है, आप पूरे कानून लिख सकते हैं, मतलब जैसे आपको याद किया, आप जिस तरीके से याद किया आपने उस तरीके से वो कानून आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है ये सवाल। रेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और पूछे हुए सवालों के जवाब लिखिए। अब ये शक्ल दी गई आपको, इसमें देखिए पहला सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर इम्तियानी रेली में कौन सी गैस तैयार होती है। अब जब चूने का पानी है वहां पर और कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत दे रहा है, तो कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, तो हम लिखेंगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। सिंपल, एक मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, वो गैस चूने के पानी से गुजरने पर क्या तब्दीली होगी, तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोड़ाते वो दूधिया हो जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे चूने का पानी दूधिया होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर हासिल अशिया की कीमियाई मसावात लिखिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट और उसको हम हरारत दे रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जाप्ता आपको याद होना चाहिए CaCO3, तीर का निशान बनाएंगे उसके ऊपर हरारत का निशान बनाएंगे इस तरह, और फिर लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड हमको हासिल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और ये ठोस शक्ल में मिलता है, और ये CaCO3 भी ठोस होता है यानी सॉलिड जिसको हम कहते हैं, तो उसको कॉस में छोटा एस लिखना है सॉलिड का, ठोस का। तो ये मसावात लिखने पर आपको 1 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स आपके यहाँ पर पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 5-6 पे चलते हैं। इसरो के तैयार करदा PSLV बैरून ढांचे को नामजद कीजिए। ये PSLV है, ठीक है, ये इसके बैरून ढांचे पे कौन कौन से पार्ट्स है उसको हमको लिखना है। बहुत आसान है स्टूडेंट, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, है ना। तो नीचे से हम शुरू करेंगे, तो ये जो है ना, ये जो है ईंधन वाला हिस्सा है जो ऐसे स्पीड में जाता है कि पीछे धक्का धा मारता है, जस्ट जिसको बोलते हैं फोर्स लगाना, ये जो हिस्सा है वो है कि ठोस ईंधन पर काम करने वाली इब्तदाई मरहले में जोरदार जस्त लगाने वाला इंजन, ये जो है वो जो व्हीकल है लॉन्च व्हीकल ये है, उसको जो है सैटेलाइट को धक्का मारता है बहुत जोर से, तो वो हिस्सा ये है। उसके बाद उसके ऊपर वाला है ठोस ईंधन पर काम करने वाला पहला मरहला, ये पहला मरहला है, और ये मरहले जैसे जैसे जब खेला में जाते हैं ऊपर जाते हैं जमीन से दूर जाते हैं तो ये अलग अलग होते हो जाते हैं, ये टूटते जाते हैं अलग अलग होते जाते हैं, सिर्फ सैटेलाइट बच जाता है। नंबर 3, माय ईंधन पर काम करने वाला दूसरा मरहला। अब यहां पर जो हिस्से में होता है जो रेड कलर का, इसमें माय ईंधन होता है ना, डीजल बिजल जो भी जिससे भी ईंधन से चलता है ना, तो जो ईंधन यहां पर इसका ईंधन अलग आता है, अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तो ये माय ईंधन यहां पर रखा जाता है। फिर ऊपर के व्हाइट हिस्से में ये भी माय ईंधन रहता है, लेकिन ये दूसरा तीसरा मरहला होता है, तीसरा मरहला होता है, आगे जाता है जब ये पार्ट निकल जाते हैं तो वो ईंधन काम आता है। एक एक पार्ट जब खेला में जब इसको दागा जाता है तो एक एक पार्ट अलग होते जाते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है नीचे वाला अलग होगा, उसके बाद जो ठोस ईंधन वाला है वो काम करके अपना अलग हो जाएगा, उसका ईंधन खत्म तो वो अलग हो जाएगा, उसके बाद जो माय ईंधन है वो कुछ दूर तक
सैटेलाइट को लेके जाएगा, फिर वो खत्म हो जाए तो वो पार्ट अलग हो जाएगा, फिर तीसरा मरला आता है जिसमें महा ईंधन होता है, वो काम करता है सैटेलाइट को आगे ले जाता है, फिर वो खत्म हो जाएगा तो वो अलग हो जाता है, इस तरह फिर तीसरा आखिरी मरला जो होता है चौथा मरला, वो महा ईंधन पर काम करने वाला चौथा मरला है। यहां पर भी महा ईंधन होता है, जब ये बहुत हाइट पे पहुंच जाता है इसका ईंधन खत्म हो जाता है, ये भी सेपरेट हो जाता है, और आखिर में जो है वहां पर सैटेलाइट होता है सैयारा रखने की जगह, और फिर उसके बाद वो सोलर एनर्जी चलता है, फिर पैनल निकलते हैं उसके बाहर, सोलर पैनल निकलते हैं और उसके ऊपर वो एनर्जी पर वो सैटेलाइट काम करता है। तो इस तरह ये मरले है, इसको नामजद करना था, ये हमने नामजद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेल का इक्तिबास पढ़िए, यानी जो पैसेज है वो पढ़िए और सवाल के जवाब लिखिए। अगर गर्म शय सर्द शय के दरमियान हरारत का तबादला हो तो सर्द शय की तवानाई जज्ब करने दर्जारात में इजाफा होने लगता है, गर्म शय की तवानाई खारिज होने से दर्जारात में कमी होने लगती है। अब जब सर्द शय और गर्म शय को बाजू बाजू में रखेंगे तो एक की तवानाई खारिज होगी, एक की जज्ब होगी, एक की हरारत खारिज होगी, एक की जज्ब होगी, ठीक है। तो ये इजाफा होते रहता है, गर्म शय की हरारती तवानाई खारिज करने पर कम होती है। ऐसी हालत में जब सिर्फ वो दोनों दरमियानी हालात का तबादला हो रहा है जिसका माहौल से कोई ताल्लुक ना हो, मतलब एक ऐसी जगह पर रखा जाता है सिस्टम में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने अगर देखा नहीं हिट के वीडियो तो ऊपर बटन दबाइए आए को और वहां पर देख सकते हो, ये जिसमें ये वीडियो है कि हरारत का तबादला किस तरह होता है। तो एक ऐसे सिस्टम में रखा जाता है जिसको बोलते हैं हरारत माने बॉक्स, यानी वहां पर ना हरारत बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। अब ये सवाल के जवाब हमको यहाँ पर लिखना है, हरारत कहां से कहां मुंतकिल हो रही है। तो आपको मालूम है कहां से कहां मुंतकिल हो रही है, हरारत गर्म शय से सर्द शय की जानी मुंतकिल हो रही है। सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, आपका एक मार्क्स मिल जाएगा। इस अमल में कौन सा कानून सीख रहे हैं, मब्दल हरारत का कुल्लिया, तब्दील हो रहे नहीं तो मब्दल हरारत का कुल्लिया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, इस कानून की मदद से शय की कौन सी खासियत की कद्र पैमाई होती है, यहां पर जो कद्र पैमाई होती है वो हरारत नोई की मालूम की जाती है, यहां पर हरारत नोई मालूम की जाएंगी, ठीक है, कितनी किसमें क्या जज्ब करने की या हरारत खारिज करने की एक सलाहियत है, उसको बोलते हैं हरारत नोई, ये मालूम की जा सकती है। ये तीन क्वेश्चन के आंसर आपके पास आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़ेल के इक्तिबास पढ़िए और नामजद खाका बनाइए। अब इसको पढ़कर आपको शक्ल बनाना है और शक्ल बनाने के आपको तीन मार्क्स है। इस तरीके से बारीक पीसी हुई कच धातु को एक बड़ी टंकी में रखा जाता है, टंकी में यानी टंकी आएंगी शक्ल में, ठीक है, जिसमें पानी भरा होता है ना, टंकी में पानी भराना है हमको, टंकी बनाकर उसमें पानी भरना है। इसमें कच कुछ नबाती तेल मसलन स्नोबर का तेल या नीलगिरी का तेल मिलाते हैं उसमें पानी में, जिससे पानी में झाग पैदा होता है। पानी में दबाव के तहत दाखिल हवा दाखिल की जाती है, उस टंकी के वस्त में यानी दरमियान में झाग पैदा करने वाला हिस्सा अपने महवर पर घूमता है। जैसे आप लस्सी बनाते हो ना, लस्सी तो आप लस्सी के महवर को घुमाओगे ऐसे लस्सी बनाने वाला देखेंगे आप, तो वो झाग पैदा होता है, ऊपर झाग आते जाता है। इस तरह इस जरूरत के तहत घुमाया जाता है, हवा के दाखिल होने से बुलबुले पैदा होते हैं और तेल पानी हवा की वजह से झाग पैदा होता है जो सतह पर तैरता है, ये है। और इस तरीके को हम कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशन का मेथड, और उसकी शक्ल आपको बनाना है इस तरह की, ये शक्ल आपको बनाना है। ये पूरी शक्ल अगर हम नामजद आप तरह बना लिए तो आपके पूरे तीन मार्क्स कंप्लीट मुकम्मल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये पैसेज पढ़ के आपको शक्ल बनाना है, ठीक है, आपके बुक में भी आपको नजर आएगी ये शक्ल। तो ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर आखिरी हमारा आठ, आठ में से पांच आपको अटेम्प्ट करना है। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, मुख्तलिफ वास्तुओं से नूर की शुआओं का इनराफ की वजाहत कीजिए। तीन दिख रही है शक्ल आपको, पहली शक्ल में बताता हूं, देखिए लतीफ वास्ते से रोशनी की शुआ गुजर रही है कसीफ वास्ते में, फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आप वीडियो नहीं देखी आपने ऊपर जाकर देख सकते हो, आप आई के बटन पे क्लिक कीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अनहराफ नूर के वीडियो देखिए। तो जब लतीफ वास्ते से गुजरती है कसीफ वास्ते में, लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में, तो उमूद की जानी झुकती है, देखिए रेड लाइन जो उमूद की तरफ, ये जो खड़ा है ना ये नॉर्मल जिसको कहते हैं, तो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है खड़ा जो है ना नॉर्मल है उसकी तरफ उमूद की जानिब झुकती है। तो पहला हम लिखेंगे, जब नूर की शुआएं लतीफ वास्ते से कसीफ वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की जानिब झुकती है। अब कसीफ वास्ते से निकलकर लतीफ वास्ते में जा रही है तो देखेंगे उमूद से दूर हट रही है, बस इतना देखकर आपको लिखना है, एक मास आपके पक्के हो जाएंगे।
जब नूर की शुआएं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूद से परे हटती है। थर्ड, अब देखिए उमूदन दाखिल हो रही है, पहले तिरछी हो रही थी, दूसरे में भी तिरछी हो रही, अब उमूदन दाखिल हो रही है। तो उमूदन दाखिल होती है तो उसमें इनराफी नहीं होता है, वो सीधे सीधे गुजर जाती है। अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते से उमूदी दाखिल होती है तो उसकी सिम तो बदलती नहीं है, उसका इनराफ नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये तीन फिगर के तीन आंसर है और तीन मार्क्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह अगर आपने पूरे कंप्लीट आंसर लिखे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर तीन यहां पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर चार जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें आपको एक सवाल करना है और पांच मार्क्स का एक सवाल है। सवाल नंबर चार कोई एक हल कीजिए, पांच क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन के आंसर आपको देकर और यहां पर सवाल मुकम्मल करके उसका जवाब लिखना है। मुंसलिक शक्लों में दिखाया गया इस्तेमाल हो, ठीक है। सवाल को आप थोड़ा समझ लीजिए कि इस शक्ल का आपको नाम लिखना है, ये कौन सी शक्ल है। मुंसलिक शक्लों में दिखाए गए शक्ल का नाम लिखिए, तो ये जो है मशीन का नाम लिखिए, तो ये है मुरक्कब खुर्दबीन। क्या है? मुरक्कब खुर्दबीन, ठीक है। अब शक्ल को दुरुस्त तरीके से नामजद कीजिए, ये पूरी शक्ल ऐसे ही बनाना है और जो बॉक्स है ना उसमें नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले वो जो किनारे ऊपर दिख रहा है आपको, वो जो ऊपर दिख रहा है आपको कोने में, वो है जिस्म, ठीक है। नीचे जो है बड़ा आयना जो है वो अज्सा जो है वो जिस्मिया अज्सा है, जो सॉरी जिस्मिया अज्सा छोटा, और जो बड़ा दिख रहा है आपको वो चश्मिया अज्सा है, ठीक है। और नीचे जो बड़ा बन रहा है वो अक्स बन रहा है। अगर आपने चार बॉक्स ये फिल कर दिया तो आपको एक मास कंप्लीटली यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। फिगर वैसी उतारना जैसी है। फिर उसके बाद डी है, ये खुर्दबीन कहां इस्तेमाल होती है, तो दोनों अच्छों के मजमुई असर से तकबीर। अभी सी का आंसर लिख रहा हूं मैं, इस खुर्दबीन का तरीका कार लिखिए, सी आंसर है, डी बाद में लिखते हैं, डी बाद में। तो दोनों अच्छों के मजमुई असर से तकबीर हासिल होती है जो दो मरलों में होती है, एक अच्छे के जरिए बनने वाला अक्स, दूसरे अच्छे के जरिए जिस्म का काम करता है जिसका वाजे अक्स दोनों अच्छों के दरमियान के फासले को मुनासिब तरतीब देकर हासिल किया जा सकता है। अब देखिए मैं इसको समझा दूं इस जवाब को। ये पहले यहां पर हमारी कोई चीज रखी हुई है, उसका अक्ष यहां पर बन रहा है, देखिए ये अक्ष बन रहा है, फिर ये अक्ष इस चश्मे पे से बन रहा है और चश्मे के जरिए फिर वो अक्ष को वो बड़ा कर दे रहा है, तो दो मरलों में यहां पर अक्ष बन रहा है। पहले ओरिजिनल अक्ष एक क्या बनाता है, जिस्मिया बनाता है, जिस्मिया अज्सा जो है, ठीक है, जिस्मिया अज्सा एक ओरिजिनल अक्ष बनाता है, फिर वो अक्ष का और एक चश्मिया अज्सा और एक अक्ष बनाता है, वो बहुत बड़ा बनाता है। तो अगर हम कैमरा देखो या दूरबीन देखो, है ना, या मुरक्कब खुर्दबीन अगर आपने लैब में देखा होगा, लेबोरेटरी में, तो हम जो छोटी छोटी जो माइक्रोब्स है, खुर्दबीनी जानदार है, उनका मुशाहिदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, मुरक्कब खुर्दबीन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लैब में उसको देखते हैं, फफून देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, तो वो जो है ये खुर्दबीन है। उसमें आप देखिए एडजस्ट करना पड़ता है क्लियर इमेज लाने के लिए। तो क्या कहा है, मुनासिब तरतीब देकर हम अक्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब बी का जवाब, ये खुर्दबीन कहाँ इस्तेमाल होती है, छोटी जिसामत के अस्साम जैसे खून के खलियात, ब्लड टेस्ट होता ना तो उसमें देखते हैं, और नबातात के खलियात बैक्टीरिया का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ई सवाल, इस खुर्दबीन की कारकर्दगी में इजाफे के लिए तदाबीर तजवीज कीजिए। सिंपल है, पूरा बहुत बड़े पेज लिखना नहीं है, एक छोटे से जुमले में आपको लिख देने का है कि कोई भी मुनासिब तरीका, मसलन मखसूस तोले मास्कों का अच्छे का इस्तेमाल इंतखाब किया जा सकता है, यहां से ये एक तजवीज आपने दी है करने के लिए। तो ये चारों पांचों आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपके पांच मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, शक्ल का मुशाहिदा करके जवाब लिखिए। बड़ी इम्तिहानी नली में बुलबुलों की शक्लों में निकलने वाली गैस कौन सी है। ये जो बड़ी इम्तिहानी नली दिख रही ना, बड़ी एक हाथ से पकड़ा है, वो छोटी इम्तिहानी नली है और एक बड़ी इम्तिहानी नली है जो रखी हुई है, तो इसमें जो बुलबुले निकल रहे हैं ना वो कौन सी गैस के निकल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकल रहे हैं, वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस इतना लिखना है आपको, पूरा जवाब लिखना है, मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं, आपको जवाब जुमलों में लिख देना है। बड़ी इम्तिहानी नलियों में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सेकंड, छोटी इम्तिहानी नली के चूने के साफ पानी में बुलबुले क्यों नजर आते हैं, क्योंकि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वो बुलबुले नजर आते हैं, जाती है, गुजरती है। बुलबुलों की शक्ल में तेजी से बाहर निकलने वाली गैस निकास नली से, वो जो टेढ़ी नली है ना, टेढ़ी ऐसी जो छोटी लाइन में जाए उसको निकास नली कहते हैं, नाम लिखा वहां पर, छोटी इम्तिहानी नली में चूने के साफ पानी के साथ तामुल करती है, इसलिए बुलबुले नजर आते हैं, हो गया। थर्ड, चूने के साफ पानी का रंग क्यों तब्दील हो जाता है,
क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूल्हे के पानी से गुजारी जाती है तो वो दूधिया हो जाता है, इसलिए तब्दील हो जाता है। अमल करती है तो पानी दूधिया हो जाता है। ये सवाल का जवाब हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल। अब उसने बोला था इसकी तामुल लिखी थी कि आगे है, तब्दील होता है तो मुतालिका, इससे ताल्लुक रखने वाली कीमियाई मसावात लिखना है हमको, तो वो क्या बनेगी? ये बनेगी। अब ये मसावात को मैं समझा दूं, जो हमने लिए ना क्या, और वो था देखो इसमें एसिटिक एसिड, साइड में लिखा हूं आप इंटरनल में देखिए, उसको देखकर ही लिखा जाएगा। एसिटिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट हमने मिला है, उसका फॉर्मूला Na2CO3, जो टुकड़े है वो सोडियम कार्बोनेट है, अंदर इंटरनली में बड़ी इंटरनली में जो टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं वो सोडियम कार्बोनेट है, जो नीले कलर का महलूल दिख रहा है वो एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला CH3COOH प्लस, इन दोनों का कीमिया अमल हुआ तो हमको मिला है CH3COONa, और उसके बाद पानी, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये तामुल आपको पूरी लिखना है यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौथा सवाल। चूने के साफ पानी पर मजकूरा अमल सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम बायकार्बोनेट अगर इस्तेमाल किया जाता है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा? चूने के साफ पानी पर मजकूरा वाला अमल में सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम बायकार्बोनेट अगर इस्तेमाल करते हैं, यही अमल होता है। जो अमल यहां पर हो रहा है सोडियम कार्बोनेट से, वही अमल सोडियम बायकार्बोनेट इस्तेमाल करे तो भी वही अमल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के बुलबुले निकलते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी सेम अमल होगा। ये आपको यहां पर लिखना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन उसके 2 मार्क्स है, तीसरे क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, बाकी सबके 1-1 मार्क्स है। इस तरह ये 5 मार्क्स यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। तो ये पेपर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको पेपर समझ में आया है तो पेपर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थैंक यू।